हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डू यू नो। इसे हम विडंबना कहें कि इंसान जानवर से डरता है और वही जानवर ही इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कहलाते हैं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंसान और जानवर के साथ ताल्लुक रखते हैं। वो हैं इंडिया के पहले वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर लतिका नाथ जी, जो कि पिछले 3 दशक के लंबा समय से हमारे देश के जातीय पशु यानी कि इंडिया के जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर, बाघ के ऊपर वो स्टडीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर लतिका जी का बचपन से ही लगाव था वाइल्डनेस के तरफ, जो बोलते हैं ना एक सेंस ऑफ इकोलॉजिकल एथिक्स, उनके अंदर वो बचपन से ही डेवलप हो चुका था। उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में ग्रेजुएट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट किया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च पर। वो डॉक्टरेट करने के लिए क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, बट उसके बाद वो सन 1990 से निरंतर रूप से मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में बाघों के कंजर्वेशन एंड रिसर्च से जुड़े, ना कि केवल बाघ बल्कि इनके संरक्षण के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लिए भी वो लगातार काम करते रहे। उनका ये मानना है कि आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति से ज़्यादा करीब से जुड़े हुए होते हैं, ना कि केवल बाघ बल्कि वो देश के और विदेश के कई सारे विलुप्त होते प्रजातियों पे भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर लतिका जी कंसल्टेंट भी रहे हैं बहुत से नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। सेव द टाइगर अभियान के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। उनके ज़िंदगी का सार यानी कि उनका पूरा पैशन वाइल्ड लाइफ है और उसका संरक्षण करना ही उनका ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अनदेखे खतरों से भरा है, लेकिन लतिका जी के पैशन के प्रति लगाव, उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास से ही मुमकिन हुआ है। सन 2001 में नेशनल ज्योग्राफी के तरफ से उनको टाइगर प्रिंसेस के नाम से नवाजा गया। इसके साथ उनको करमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। हमारे टाइगर प्रिंसेस ये भी कहते हैं कि कोई भी जानवर हानिकारक नहीं होते हैं, बस वो अपने बचाव के लिए अटैक करते हैं और दुनिया के हर एक जानवर बेहद खूबसूरत होते हैं। प्रकृति के साथ रहना ही उनको बेहद शानदार शांति महसूस होता है। हमारे टाइगर प्रिंसेस ये भी कहते हैं कि कोई भी जानवर हानिकारक नहीं होते हैं, बस वो अपने बचाव के लिए अटैक करते हैं और दुनिया के हर एक जानवर बेहद खूबसूरत होते हैं। प्रकृति के साथ रहना ही उनको बेहद शानदार शांति महसूस होता है। उनका ये भी कहना है कि हमारे गवर्नमेंट इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को प्रायोरिटी दे। डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए डेवलपमेंट हर चीज़ का बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के तरफ भी ख्याल रखना चाहिए। तो उनका यही मानना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट होने चाहिए। हमारे जो टाइगर प्रिंसेस हैं वो ना ही केवल वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं बल्कि उसके साथ साथ वो एक उच्च कोटि के फोटोग्राफर्स हैं और अथर भी हैं। वो कई सारे बुक्स लिखे हैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उनके रिसर्च के ऊपर। उनके बुक्स के नाम हैं तकदीर, द टाइगर कफ, द हिडन इंडिया और ऐसे ही वो अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं। तो ये हैं हमारे देश के टाइगर प्रिंसेस। हम आशा करते हैं
आप लोगों को इनके बारे में जानकारी लेकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल डू यू नो से जुड़े रहें। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।